तरफ गाजियाबाद के लोनी से खबर आपको बताएं, जहां पर बाइक टकराने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। वहीं बीच बचाव करने पहुंचे दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड दरोगा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना को अंजाम देने के बाद दबंग युवक मौके से फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही SSP पवन कुमार पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का मुआयना किया। वहीं SSP ने जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी के आदेश भी दे दिए हैं। ये थाना लोनी बॉर्डर एरिया में राजनगर गली नंबर 3 का हादसा है। यहाँ पे कुछ बच्चों में झगड़ा हुआ था, तो इसमें एक लड़का शिवम है जो बीच बचाव कर रहा था, उसी में उनकी मारपीट हुई। मारपीट करने के बाद में एक बार वहाँ से वो लोग चले गए, तो इसमें कुछ लड़के आइडेंटिफाई हुए हैं उनकी ओर से। वो लोग थोड़ी देर बाद वापस आए हैं, करीब 12-15 लड़के हैं। उन्होंने आके पहले एक फायर किया है और उसके बाद जो शिवम लड़का है उसके पिता, जो कि दिल्ली पुलिस से रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर हैं जयवीर लाटियान, उनको उन्होंने चेहरे पे गोली मार दी, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। और उधर ग्रेटर नोएडा से खबर आपको बताएं, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई। इस दौरान एक बदमाश को गोली लग गई, जिसे पुलिस ने मौके से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बदमाश के पास से असलहा, कारतूस समेत अन्य सामान भी बरामद कर लिया है। बताते चले कि घायल बदमाश के ऊपर कई मामले पहले से दर्ज हैं। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। रात्रि लगभग 10:30 के करीब रबुपुरा पुलिस के द्वारा मिर्जापुर कट के पास चेकिंग की जा रही थी, जनरल चेकिंग की जा रही थी। इस पर सभी गाड़ियों को रोककर चेकिंग करते समय एक व्यक्ति जो कि वहां से एक मोटरसाइकिल पर सवार था, उसे रुकने का इशारा किया गया, तो वह पुलिस पार्टी को धक्का देकर के वहां से भाग गया तथा रुका नहीं। जब उसका पीछा चेकिंग करने वाली पुलिस पार्टी में सब इंस्पेक्टर के द्वारा तथा पुलिस पार्टी के द्वारा किया गया, तब उसने पुलिस पार्टी पर फायर किया। इस पर भी पुलिस पार्टी ने उसका पीछा करना नहीं छोड़ा। आगे आ करके रबुपुरा की तरफ जाने वाले एक रोड पर वह मोटरसाइकिल स्किड होकर के, जहां पर रास्ते दो पहाड़ होते हैं, वहां वह मोटरसाइकिल स्किड होकर के गिर गई। बांदा से आपको खबर बताएं, जहां पर ब्रिज के ऊपर रेलिंग तोड़कर कार पुल पर लटक गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहगीरों की मदद से कार चालक समेत सभी लोगों को बाहर निकाला गया। आपको ये भी बताते चले कि कार में सवार सभी सुरक्षित बताए जा रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों ने ये बताया कि कार का चालक शराब के नशे में धुत था, जिसके चलते ही यह हादसा हुआ। हापुड़ में मर्डर का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। दरअसल सनसनीखेज घटना हाफिजपुर थाना क्षेत्र के कुराना गांव की बताई जा रही है, जहां पर 3 दिन से लापता एक युवक का मुकदमा दर्ज कर पुलिस तफ्तीश में जुटी तो हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। दरअसल युवक के 3 दोस्तों ने ही उसकी हत्या की थी। पूछताछ में 3 आरोपियों ने अपना गुनाह कबूला है। फिलहाल पुलिस लापता युवक का शव बरामद कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। इमरान द्वारा थाना हाफीपुर में आज एक सूचना दी गई कि उनके भाई इरफान को गांव के ही माजिद ओम राकिब द्वारा गायब कर दिया गया है। इस सूचना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। उसके बाद विवेचना के दौरान दोनों नामित अभियुक्तों को हिरासत में लेकर के कड़ाई से पूछताछ की गई। उन्होंने जुर्म स्वीकार किया और कहा कि हम लोगों ने मारकर शव को छिपा दिया गया है। उनकी निशानदेही पर शव को बरामद कर लिया गया है। नियमानुसार पंचायतनामा भरकर PM के लिए भेज दिया गया है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और उधर फिरोजाबाद में जमीनी रंजिश यानी जमीन विवाद को लेकर एक बुजुर्ग ने घर में घुसकर 3 लोगों पर चाकुओं से हमला कर दिया, जिसमें एक महिला और पड़ोसी युवक की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। वारदात को अंजाम देकर भाग रहे आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान धर दबोचा है। मोहल्ले में पड़ोसी से लड़ाई रहती है, तो पड़ोसी ने इनके जो लड़का उठ के आया अकील के, इन्होंने छुरी मार दी। 2 जगह छुरी लगी है, एक हाथ में भी लगी है, 2 जगह सीने पे, 1 जगह चर्बी बाहर आ गई है और एक की इनकी डेथ हो गई है। पप्पू भाई के घर से हैं। इसमें कितने लोग घायल? इसमें 3 लोग घायल हैं और बहुत काफ़ी खून बह गया, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। जो जिसने मारी है वो घर के अंदर ही है अभी। क्या पुलिस को कोई सूचना दी? अभी कोई सूचना नहीं है पुलिस को, और हम लोग लेके भागे हैं इन्हें। हमने जाके देखा तो इनका निरा खून बहा, इन्हें हल्की ट्री में लेके आए हम लोग।
मुरादाबाद से खबर आपको बताएं, जहां पर सिविल लाइन्स थाना क्षेत्र काट रोड पर एक तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार एक महिला की मौत हो गई, जबकि हादसे में महिला की बेटी और बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां चिकित्सकों ने दोनों की हालत का गंभीर देख उन्हें हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया है। वहीं कार को सिविल लाइन्स थाना पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है। भैया हम दोनों साथ में आ रहे थे कार्ड से रिसेप्शन से। कौन कौन? एक मेरा भाई था, चाचा का लड़का, हाँ। चाचा दाद भाई और एक मैं था। नाम बताओ। उसका मोहम्मद अहमद नाम है, अहमद रजा। तो मेरी चाची भी आ रही थी साथ में। तो क्या नाम उसका, वहाँ से आ रहे थे कार्ड से रिसेप्शन से। तो क्या नाम उसका, दोनों हम साथ में बातें करते हुए जा रहे थे। 20 की स्पीड पे मेरी गाड़ी थी, 20 की स्पीड पे उसकी गाड़ी। कौन सी गाड़ी थी आपकी? मेरी गाड़ी एक्टिवा 5G थी, उसकी गाड़ी थी सुपर स्प्लेंडर। और आगे पीछे गाड़ी चल रही थी दोनों एक सीट, हमारी आगे पीछे गाड़ी चल रही थी। 20 की स्पीड पे मेरी थी, 20 की स्पीड पे उसकी थी। पीछे से एक आदमी ने ओवरटेक करा कार का, उन्होंने पूरा उड़ा दिया। और चाची हमारी जो है वो उसमें जंगल में जाके पड़ी थी। ये जो एक्सीडेंट हुआ है, शबनम ये तो मृत अवस्था में आई, और इसके साथ में जो इनकी बेटी थी वो भी गंभीर अवस्था में काफ़ी है। उसका नाम कहकश है, तो उसका इलाज कर दिया गया है और इलाज के लिए भर्ती भी कर दिया गया। वो लोग अपनी इच्छा से मरीज को हायर सेंटर ले गए। अहमद भी गंभीर अवस्था में, ये दोनों अस्पताल से यहाँ से इलाज के बाद रेफर हो गए। तो डॉक्टर साहब क्या लगता है कि इस चीज़ से इनका एक्सीडेंट हुआ? इनका तो एक्सीडेंट है, कोई दुर्घटना हुई, मोटर एक्सीडेंट। खुद ले गए जो मरीज के अटेंडेंट जो खुद ले गया साथ। और उधर आगरा में सैया पुलिस क्रिमिनल इंटेलिजेंस विंग्स और स्वाट टीम को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। दरअसल मुठभेड़ में पुलिस ने 15,000 के फरार इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ में इनामी बदमाश रवि के पैर में गोली लगी, जिसके बाद पुलिस ने उसे धर दबोचा और गिरफ्तार कर लिया। क्षेत्र सैया में लादोखेड़ा रोड पर आज एक पुलिस मुठभेड़ हुई है, जिसमें जो अभियुक्त है रवि उर्फ रोहित पुत्र नानकचंद, ये मथुरा का रहने वाला है। पिछले अगस्त 2021 में इसने एक किसान की हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद इसने इसकी भैंस लूट ली थी। इस मुकदमे में काफ़ी दिनों से वांछित चल रहा था, इसके ऊपर 15,000 का इनाम था। आज इस SOG आज CIW SWAT सर्विलांस टीम और थाने की टीम ने इसको गिरफ्तार किया है। इसके पास से एक मोटरसाइकिल बरामद हुआ है, साथ में एक तमंचा, जिंदा कारतूस, खोखा कारतूस बरामद हुए हैं। इसके आपराधिक इतिहास की और जानकारी की जा रही है। इसको उपचार हेतु तत्काल SN मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है। और उधर आगरा के शमशाबाद में हर साल की तरह इस साल भी कंस मेले का आयोजन कंस टीला ईदगाह दरगाह पर किया गया, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा कस्बे के विभिन्न मार्गों से होकर निकाली गई और साथ ही साथ मेले में कंस का भगवान श्री कृष्ण और बलराम के स्वरूपों के द्वारा वध भी किया गया और उसको दर्शाया गया। वहीं मेले में जमकर आतिशबाजी की गई। आपको बताते चले कि यह मेला शमशाबाद कस्बे की मिसाल बना हुआ है। इसी ईदगाह दरगाह पर मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज को अदा करते हैं और वहीं इसी ईदगाह दरगाह पर हिंदू मेला कमेटी के द्वारा कंस मेले का आयोजन भी किया जाता है। दरअसल ये प्राचीन मेला भाईचारे की मिसाल बना हुआ है। और उधर प्रयागराज में 17 पुलिस कर्मियों को एक साथ निलंबित करने का मामला सामने आया। दरअसल लगातार खबर मिल रही थी कि कुछ पुलिसकर्मी बिना जानकारी दिए 30 दिन या फिर उससे ज्यादा समय तक से अनुपस्थित हैं, जिसके बाद इस अनुशासनहीनता को गंभीरता से लेते हुए सभी पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया और इनके खिलाफ कठोरात्मक विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आपको बताते चले कि इन निलंबित 17 पुलिसकर्मियों में 3 दरोगा, 4 मुख्य आरक्षी और 10 आरक्षी शामिल हैं। 16 सोनभद्र के दुधी कोतवाली क्षेत्र में RPF ने अचानक एक कबाड़ की दुकान पर छापेमारी से हड़कंप मच गया। दरअसल होली से एक सप्ताह पहले दुधी रेलवे स्टेशन से विड़मगंज रेलवे स्टेशन के बीच रेलवे के सामानों की लगातार हो रही चोरी की तरफ घटना से RPF की नींदें उड़ी हुई थी। वहीं छापेमारी में RPF को लगातार हो रही चोरी की सामान कबाड़ की दुकान से भी बरामद हुए, जिसे RPF अपने साथ ले गई और कबाड़ की दुकान के मालिक को भी गिरफ्तार कर अपने साथ ले लिया।
और उधर सहारनपुर के बलियाखेड़ी ब्लॉक के गांव नंदी फिरोजपुर के रहने वाले सेठपाल सिंह को किसानी के लिए राष्ट्रपति पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया। आपको बताते चलें कि वे अपनी खेती से रासायनिक खादों का उपयोग नहीं करते, देसी खाद का उपयोग करते हैं और वो खेत में कई फसलें उगाते हैं। दरअसल सेठपाल सिंह ने ये भी जानकारी दी कि अगर सभी किसान इसी तरीके से अपने खेतों में फसलों की बुवाई करें तो निश्चित तौर पर किसानों की आय बढ़ेगी। सेठपाल सिंह ने ये भी कहा कि उन्होंने सभी किसानों को परंपरागत खेती से अलग हटकर खेती करने की बात कही है। देखिए, पद्मश्री अवार्ड हमको कृषि विविधीकरण के ऊपर हमें अवार्ड मिला है। कृषि विविधीकरण में हम लोगों ने अपने खेत को इस तरीके से हमने ढाला है, उसमें पशुपालन का समावेश भी हो, दलहन तिलहन भी हो, गन्ने के साथ सह फसली खेती भी हो और उसमें तमाम तरह से जो हमने वैल्यू एडिशन के प्रोग्राम हो, उन सब तमाम चीज़ों को अपना करके जहाँ तक हमारा किसान आज तक ये सोचता है कि हमारा किसानी हमारी खेती घाटे का सौदा है, तो हम लोगों ने उसमें ये एक ऐसा मॉडल तैयार किया है जिससे किसान की रोज़ आमदनी होती है। हम नॉर्मल खेत में सिंघाड़े की खेती करते हैं, कमल पुष्प की खेती करते हैं, मत्स्य पालन करते हैं, सीजनल मशरूम की खेती करते हैं और तमाम चीज़ों को अपना करके हम लोगों ने एक ऐसा मॉडल तैयार किया है जिससे हमारा किसान की रोज़ आमदनी होती है। और वहीं UPSTF ने वाराणसी के लोहता इलाके में मुठभेड़ के दौरान 2 लाख के इनामिया बदमाश मनीष सिंह उर्फ सोनू को मार गिराया है। दरअसल मुखबिर की जानकारी पर दबिश देते हुए एसटीएफ टीम ने आरोपी को धर दबोचा। आपको ये भी बताते चले कि मनीष लंका थाना के नरोत्तम का रहने वाला बताया जा रहा था और उसके ऊपर जौनपुर, गाजीपुर, वाराणसी, आजमगढ़, मिर्जापुर, सीतापुर और शाहजहाँपुर में 36 मुकदमे दर्ज थे।